कहाँ घूमने गई थी तू? मैंने आपको फोन किया था पर आपने फोन उठाया ही नहीं। मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो तू कहीं भी चली जाएगी। मैं बस अपने दोस्त के पास ही गई थी। मुझे कैसे पता कि दोस्त था या दोस्त थी? सॉरी, आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगी। चल अंदर, भाग अंदर। तुझको कुछ पता नहीं है क्या? घर की औरतें सबसे आखिर में खाना खाती हैं, घर के पुरुषों को खाना खिलाने के बाद। और तू क्या कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथ में बैठ के खाना खा रही है? चल निकल यहां से और नीचे बैठ के खाना खा। निकल। यार मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तो प्लीज़ मेरे घर आ जाना। बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है। प्लीज़ आ जा। चल ठीक है, आती हूँ। यार मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। रोज रोज की मार पिटाई, गाली, दारू पी के आना, लड़ना, यार क्यों सहन कर रहे हैं हम? मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। देख, मैं तेरी दोस्त होने के नाते तुझे सिर्फ एक चीज समझा सकती हूँ कि तुझसे जितना हो सके तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हमारे माँ बाप भी तो हमें यही सिखाते हैं ना कि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है, और ससुराल में आने के बाद लड़की को हर चीज़ सहन करनी पड़ती है। और हमारी माँ भी तो यही कहती है ना कि लड़की की डोली उसके मायके से उठती है और अर्थी उसके ससुराल से। देख, तुझे तो पता है ना मैं कितना बर्दाश्त करती हूँ। मेरे पति भी मुझे रोज मारते हैं, गाली देते हैं, मैं सब सहन करती हूँ, तुझे भी करना पड़ेगा। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। हे दारू बिना बिना चखने के चढ़ती नहीं है। निहारिका, चखना लेके आओ चखना। ये क्या, आपने फिर से पीना शुरू कर दिया? कि तू अपना ज्ञान किसी और को देना। ये जो मैं दारू पी रहा हूँ, खुद के पैसे का पी रहा हूँ, तेरे बाप के पैसों का नहीं। तो अभी जा, मेरे लिए चखना लेके आ फटाफट। चल निकल यहाँ से। कहाँ जा रही तू? मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अच्छा, कहाँ जाएगी तू? अपने मम्मी पापा के पास? वो तो तुझको रखेंगे नहीं। मुझे ना अपनी जिंदगी जीने के लिए ना किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। इस घर से अपना कदम तू बाहर निकाल के दिखा। आज तो मुझे रोक कर तो दिखाओ। अच्छा, तो अब मैडम की जुबान भी चलने लगी है। तुझको तो मैं अभी बताता हूं। क्या हुआ? एक लात में तुम्हारी हेकड़ी निकल गई। कहां गई तुम्हारी मर्दानगी? जब मैं इस घर को संभाल सकती हूँ, इस घर के मेंबर्स को संभाल सकती हूँ ना, तो मैं अपने आप को भी संभाल सकती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ना
किसी की जरूरत नहीं है और तुम जैसे इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपनी लाइफ में ना शांति और इज्जत चाहिए, जिसके लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अब मैं खुद कमाऊंगी और खुद बनाऊंगी और खुद ही खाऊंगी, और अपना ये थप्पड़ ना किसी और को जाके दिखा देना। और आज के बाद अगर तुम मुझे कहीं दिखाई भी दे गए ना, तो तुम्हारा तो वो हाल करूंगी ना कि बैठने लायक तक नहीं छोड़ूंगी। हेलो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।